सो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे आईओटी एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। उसमें हमने कौन सा प्रोटोकॉल देखा था? एचटीटीपी एंड यूपीएनपी। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? बताओ एनीवन। किसी को भी नहीं पता क्या है एचटीटीपी का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये इसका काम क्या रहता है कि जब आप वेब सिंक करते हैं पेजेस को वो नेविगेट करता है एंड हर आउटपुट आपको दे देता है, ठीक है। एचटीटीपी बेसिक्स में हम देखा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रहता है, स्टेटलेस एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस देखा था उसमें, राइट। उसमें कुछ हेडर इंफॉर्मेशन रहती है, मेथड रहती है एंड रिसोर्सेस रहते हैं। और उसके बाद हमने कौन सा प्रोटोकॉल देखा था? यूपीएनपी। यूपीएनपी स्टैंड्स फॉर, बोलो। यूपीएनपी स्टैंड्स फॉर बोलो जल्दी, यूपीएनपी फुल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएनपी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल प्लग एंड पे प्रोटोकॉल, ठीक है। आप लेक्चर देखते तो है ना, किसी को भी आंसर नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्सल प्लग एंड पे प्रोटोकॉल का आर्किटेक्चर क्या था? दैट यूजेस मल्टीपल प्रोटोकॉल एंड हेल्प्स इन डिवाइस एडहॉक आईपी नेटवर्क, ओके। जैसे एडहॉक नेटवर्क वो यूज, तो एडहॉक नेटवर्क में मैंने बोला था कि बहुत से नोड होते हैं, उसकी कोई फिक्स तो नहीं रहती। जैसे आपको आगे जाकर है कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर फिफ्थ सेम में, सिक्स सेम में आपको WSN करके एक सब्जेक्ट है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क दैट इज। तो उसमें आपको एडहॉक नेटवर्क का थोड़ा सा पार्ट है कि एडहॉक नेटवर्क की कुछ ऐसे फिक्स टोपोलॉजी नहीं रहती। तो टोपोलॉजी मतलब अभी सेम फोर में आपको कंप्यूटर नेटवर्क में है टोपोलॉजीज, जैसे स्टार टोपोलॉजी है तो स्ट्रक्चर रहता है स्टार शेप में, ओके। देन रिंग टोपोलॉजी है तो उसका भी एक रिंग का एक शेप है, ओके। तो वो एक फिक्स शेप रहते हैं, मतलब वो शेप में ऐसे नोड, ठीक है, सर्कुलर शेप में है या फिर बस के शेप में है, लाइन में। तो ऐसा फिक्स टोपोलॉजी नहीं रहती क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर्स है जो ऐड होने वाले या फिर रिमूव होने वाले, ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं, ओके। तो इसे कहते हैं एड हॉक नेटवर्क। देन इसमें हायरार्की ऑफ ये, मतलब हायरार्की मतलब बहुत सारे, बहुत सारे क्या बोलोगे, बहुत सारे नोड्स होते हैं, ठीक है। मतलब हायरार्की मतलब बहुत सारे नोड। ओके, तो ये थे एंड पीएनपी प्रोटोकॉल। अभी आगे जो प्रोटोकॉल है वो है सीओएपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सीओएपी का फुल फॉर्म क्या है? कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, दैट इज सीओएपी।
The UPnP protocol, that is Universal Plug and Play protocol, okay. We also saw the benefits of simplifying HTTP and using it over UDP instead of TCP. But for tiny resource-constrained device that communicated over resource-constrained IP network, HTTPU is not a practical option because it requires too many resources and too much bandwidth. Because इसके जो है बस बहुत सारे bandwidth लगेगी और बहुत सारे है resource लगने वाले. This is specially case when the underlying network limits the size of datagrams. तो datagram मतलब data के छोटे-छोटे packets रहते हैं, okay? Which in case when you use IPv6 over a lower wireless personal area network, IPv6 stands for Internet Protocol Version 6, okay? और IPv4 रहेगा तो Internet Protocol Version 4. तो आपका जो IP address रहता है machine का, ठीक है, तो इसके वो वर्जन है IPv4 एंड IPv6. अभी पहले IPv4 था, ठीक है, तो IPv4 था. तो पहले क्या था कि मशीन्स जो थे दुनिया में, अभी सोचो आपके पास कंप्यूटर है, वैसे आपके कंट्री में है, देन दूसरे कंट्री में बहुत सारे लोगों के पास मशीन्स है, देन ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने लोगों के पास मशीन है, और हर एक को IP एड्रेस हमको अलग अलग देना है, राइट. इसके लिए उसके बाद में IPv6 वर्जन निकाला गया, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ओके. इन केस व्हेन यू यूज IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क, दैट इज 6LOW पैन रेडियो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. तो उन्होंने वैसे ही बोला है कि जैसे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत सारे वाइड एरिया है, तो वहाँ पे अगर हम आईपी एड्रेस हमको यूज़ करना है तो हम IPv6 वर्जन के आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे. देन कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस, ठीक है. तो ये जो कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो ये क्यों है, तो ये सारी सिचुएशन है उसको सॉल्व करने की, ठीक है. Then making HTTP binary. The main difference between COAP and HTTPU is that COAP replaced the text header using HTTPU with more compact binary headers, and furthermore, it reduces the number of options available in header. तो HTTP में जो हमने client server architecture देखा था, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, request method रहती है, ओके, रिसोर्स रहते हैं एंड ऑप्शन हेडर, मतलब हेडर की कुछ इंफॉर्मेशन रहती है. तो अभी सेम यहाँ पे हमने COAP में क्या किया है कि जो हेडर डेटा है ना, उसकी जो लेंथ है हमने यहाँ पे कम कर दी, मतलब उसको रिड्यूस किया है, ठीक है. तो उसमें जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा था उसको हमने COAP यूज़ करके यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है, ओके. दिस मेक इट्स मच इजियर टू एनकोड पार्स अ COAP मैसेज. COAP also reduces the set of methods can be used. It allows you to call methods that it get, post, and delete. तो उसमें जो methods थे, जैसे get हमने देखा था कि HTML भी लेक्चर में मैंने बोली थी कि HTML में कुछ methods होते हैं, get, post, delete, and put, ठीक है. तो ये जो sets है इसको भी वो reduce करता है कौन, COAP के द्वारा. Also in COAP method, calls can be made using confirmable and non-confirmable message service. When you receive a confirmable message, the receiver always returns an acknowledgement. Okay. तो जो receiver है वो receive करेगा, तो एक वो confirmable message आपको दे देगा, मतलब क्या रहती है, acknowledgement रहती है, ठीक है. तो आपको पता चलता है कि जो आपने डेटा भेजा है वो प्रॉपर आपको आपको जो भेजा था प्रॉपर रिसीवर को रिसीव हुआ है. द सेंडर कैन इन टर्न रिसेंड मैसेज इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिटर्न विद इन द गिवन टाइम पीरियड. द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स कोड हैज ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड टू मेक इम्प्लीमेंटेशन सिंपलर. COAP ऑल्सो ब्रोक away from the internet media type scheme using HTTP and other protocols and replace these with reduce of set of content format.
where each format is identified by a number instead of corresponding internet media type. A detailed list of numbers assigned for the different options, method, status code, and content format using COAP. तो जो COAP है, ठीक है, तो मेथड से जैसे गेट मेथड है तो उसके लिए 0.01 कोड, पोस्ट मेथड है तो उसके लिए 0.02, देन पुट मेथड है तो 0.03, डिलीट है तो 0.04, फेच करना है 0.05, देन पैच 0.06 एंड आई पैच 0.07, और जो 0.08 टू 0.31 है वो है अनअसाइंड। देन COAP रिस्पॉन्स कोड्स, ओके, तो COAP के जो रिस्पॉन्स कोड है वो देखो, जैसे 2.00 है तो अनअसाइन है, 2.01 है मतलब क्रिएटेड, इसका डिस्क्रिप्शन है ये कोड का, 2.0 डिलीटेड, 2.03 वैल्यू, 2.04 चेंज, 2.05 कंटेंट, 2.06 अनअसाइन, 2.31 कंटिन्यू, 3.0 रिजर्व, 4.0 बैड रिक्वेस्ट, 4.01 अनऑथराइज एंड 4.02 बैड ऑप्शन। लाइक HTTP और COAP सपोर्ट मल्टीकास्टिंग, दिस कैन बी यूज टू डिटेक्ट डिवाइस और कम्युनिकेट थ्रू फायरवॉल्स। फायरवॉल्स किसके लिए रहते हैं, आपके मशीन में देखो फायरवॉल्स रहते हैं फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब आपकी जो सिस्टम है और जो अटैकर है तो उनके बीच में जो फायरवॉल रहते हैं ताकि जो आपके सिस्टम है उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचे, ठीक है। COAP also provides a set useful extension. One of these extensions provides a block transfer algorithm which allows you to transfer large amount of data. So, जो COAP है एक algorithm provide करता है, तो using this algorithm you can transfer larger amount of data. COAP also supports encryption in the unicast case through the use of datagram transport layer security, that is DTLS. That is datagram transport layer security. DTLS का मीन है datagram transport layer security. तो इसमें जो है security बोले तो फिर encryption decryption इसमें आ जाता है, ओके? तो DTLS stands for datagram transport layer security. ओके, देन जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है MQTT। MQTT स्टैंड्स फॉर मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ओके, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। One of the major problem we encountered when we look at HTTP, UPnP and COAP protocol is how to cross firewall boundaries. तो एक problem जो है it is encountered which is how to cross a firewall boundaries. Firewalls not only block incoming connection attempts but they also hide a home or office network behind a single IP address. ओके, तो खाली वो इनकमिंग कनेक्शन अटेम्प्ट नहीं करता बट इट्स हाइड होम और ऑफिस नेटवर्क बिहाइंड, जैसे कि सिस्टम को हार्म नहीं पहुँचे इसलिए मैंने बोला कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो होम एंड ऑफिस की जो आपके जो भी PC होंगे तो उसको वो क्या करता है, हाइड करता है। अनलेस द फायरवॉल ब्लॉक्स आउटगोइंग कनेक्शन विच डज only if explicitly configured to do
We can cross the firewall boundaries if all the endpoints in a conversation act as a client to a common message broker that lies inside out of the firewall is therefore accessible to the everybody. The message broker acts as a server, but all it does is a relay message between clients. One protocol that uses message broker is the message to telemetry transport protocol. ठीक है, तो ये message broker होता है. So next is publishing and subscribing. The MQTT protocol is based on publish subscriber pattern. So जो MQTT protocol, that is message telemetry transport protocol. Okay, so it is based on publisher and subscriber pattern. There are three types of actors, that is publisher, subscriber and message group. So publisher क्या करता है? The role of publisher is to connect to the message broker and publish the content. तो message broker से वो connect होगा और publish content को publish करेगा. Then subscriber का काम क्या रहता है? They connect to the same message broker and subscriber to content that they are interested in. और जो message broker रहता है, they make the sure that the publisher publish content is related to interested subscriber. तो जो interested subscriber है, उनको ही वो publish करता है. Content is identified by topic. When publishing the content, the publisher can choose whether the content should be written by the server. No. If written, each subscriber will receive a latest published value directly from subscriber. The forward slash character is used to delimiter when describing the topic path. When subscribing to a content, a subscriber can subscribe to either a specific topic providing its path or an entire branch using hash wildcard character. There is also a single level wildcard character, the plus character. As an example, illustrate topic semantics. Our sensor will publish major temperature. जो है वो है मैसेज ब्रोकर. ठीक है, मैसेज ब्रोकर का काम क्या रहता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है सब्सक्राइबर तो भी वो उसको जो पब्लिशर का मैसेज है मतलब पब्लिश हुआ हुआ वो देता है. तो जब क्या होता है कि पब्लिशर कुछ नया कुछ पब्लिश करता है डेटा, ठीक है, और अगर सब्सक्राइबर कोई इंटरेस्टेड है तो वो उसकी पब्लिसिटी करेगा. ठीक है, कि मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, और जो सब्सक्राइबर है वो अगर इंटरेस्टेड है तो उसको वो मैसेज करता है. ठीक है, मतलब अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं के जो मैसेज ब्रोकर है वो क्या करते हैं उनको जो है डेटा दे देते हैं. तो इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स है जैसे स्लैश है, हैश है, ठीक है, तो ये यूज होते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग द पाथ. पाथ डिस्क्राइब पाथ डिक्लेयर करने के लिए, देन कुछ कंटेंट को सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए. ठीक है, there are three qualities of service levels in MQTT available while publishing the content. The lowest level is an unacknowledged service. Here the message is delivered at most
at once, at most once to each subscriber. The next level is an acknowledged service. Here each recipient acknowledge the recipient of published information. If no receipt is received, the information can send again. Please make sure the information is delivered at least once. So इसमें जो first है lowest level of unacknowledged service, ठीक है? The message is delivered at most once to each subscriber. मतलब जो मैसेज हमने सेंड किया है तो वो डिलीवर होता ही है प्रोबेबली, ठीक है? और जो नेक्स्ट लेवल में बोला है एक्नॉलेज सर्विस, मतलब क्या होता है कि ईच रेसिपिएंट एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द पब्लिश इंफॉर्मेशन. इफ नो रिसिप्ट इज रिसीव, मतलब हर जो हम मैसेज भेजने वाले हैं, मतलब जो पब्लिशर भेजने वाला है रिसीवर को, तो वो मिलता ही है और वो उसके एक्नॉलेजमेंट दे देता है, ठीक है? और अगर कुछ एक्नॉलेजमेंट आई नहीं, इफ नो रिसिप्ट इज रिसीव, इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट अगेन. और अगर कुछ से इंफॉर्मेशन, जैसे सब्सक्राइबर से कुछ इंफॉर्मेशन आई नहीं कि हमें डेटा एक्नॉलेज हुआ है या फिर हमें डेटा पहुँचा, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर से हमको डेटा सेंड करना पड़ेगा, मतलब फिर से पब्लिशर को सब्सक्राइबर को डेटा सेंड करना पड़ेगा. ओके, दिस मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड एट लीस्ट वन. तो एक बार तो भी डिलीवर हुआ ऐसे इसकी ये हो जाती है, मतलब कन्फर्मेशन हो जाता है. द हाइएस्ट लेवल इज कॉल्ड अश्योर्ड सर्विस. हियर इंफॉर्मेशन इज नॉट ओनली एक्नॉलेज बट सेंट इन टू स्टेप्स. फर्स्ट इट इज ट्रांसमिटेड एंड देन डिलीवर्ड. ईच स्टेप इज एक्नॉलेज. दिस मेक इट पॉसिबल टू मेक श्योर दैट कंटेंट इज डिलीवर एग्जैक्टली वंस टू ईच सब्सक्राइबर. ओके, तो फर्स्ट थी लोएस्ट लेवल, सेकेंड थी नेक्स्ट लेवल, और थर्ड जो है हाइएस्ट लेवल. इसे अश्योर्ड सर्विस कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने डेटा भेजते हैं, इंफॉर्मेशन इज नॉट ओनली एक्नॉलेज बट सेंट इन टू स्टेप्स. फर्स्ट इट इज ट्रांसमिटेड एंड देन डिलीवर्ड. ईच स्टेप इज एक्नॉलेज. तो दोनों भी स्टेप में डेटा एक्नॉलेज होता है. दिस मेक इट पॉसिबल टू मेक श्योर दैट कंटेंट इज डिलीवर एग्जैक्टली वंस टू ईच सब्सक्राइबर. द सपोर्ट फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन इन एमक्यूटीटी इज वीक. Plain text username and password authentication exists, but it provides an obvious risk in the server is not hosted in controlled environment. तो अगर हमने प्लेन टेक्स्ट दे दिया यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, बट इट प्रोवाइड्स एन ऑब्वियस रिस्क टू द सर्वर इज नॉट होस्टेड इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट. टू सर्कमवेंट द मोस्ट ऑब्वियस प्रॉब्लम, एमक्यूटीटी कैन बी यूज एन ओवर इंक्रिप्टेड कनेक्शन यूजिंग SSL एंड TLS. तो एमक्यूटीटी है, ये कहाँ पर यूज होता है? ओवर SSL, दैट इज सॉकेट सिक्योरिटी. In this case, it is important for clients to validate server certificates, else user credential may be compromised. It is important for clients to validate a server certificate. तो certificate क्या होता है, मतलब authority certificate होता है. आपके पास अगर encryption, decryption है, ठीक है, और आपके पास अगर ये है certificate है, तो ही हम उसको जो data है decrypt कर सकते हैं.